Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब का अभिवादन करता हूँ. This is a brand new day. और ये एक नया दिन है. And it is always important that we seek the Lord first. और ये हमेशा जरूरी है कि हम परमेश्वर को पहले उसको निहारे और खोजे. And the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य को. So before we begin our daily activities, today's activities, let us give ourselves a few minutes of silence. To hear the voice और इससे पहले कि हम अपने आज के दिन की शुरुआत करें, आइए हम कुछ क्षण शांत होकर परमेश्वर की वाणी और वचन से सुने. We are studying the First Thessalonians chapter 1. और हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री के अध्ययन में लगे हुए हैं. So let us get into today's verse. और आइए आज का जो हमारा वचन है उसकी ओर हम आगे बढ़े. Verse 8. और आठवें वचन में concerning the Thessalonian believers. और थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के विषय में पहला थिस्सलुनीकियों उसका आठवां वचन. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we do not say anything. We need not say anything. पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय आठवां वचन. क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकीदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं. And first, previously in our last meditation, we consider that way they welcomed the message. उन्होंने उस समाचार का स्वागत किया. And they received it with the joy given by the Holy Spirit. उसके पश्चात हमने सीखा उन्होंने उस आनंद के संग उस समाचार का स्वागत किया जिसे उन्होंने पवित्र आत्मा से पाया. And thirdly, you became imitators of us and of Christ. और तीसरी बात पौलुस कहता है कि तुम प्रभु यीशु और हमारी समान और स्वरूप बनते चले गए. And thus they became model believers. और इसके द्वारा वो एक उदाहरण बन गए दूसरे विश्वासियों के. That is a fantastic thing to happen, and only by the Holy Spirit it could happen. और ये तो एक बहुत अद्भुत बात है जो होनी चाहिए और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये होता है. Because they were suffering very severe persecution. क्योंकि वो बड़े सताव का सामना कर रहे थे. And the next thing we must consider is. और जो अगली बात जिसके विषय में हमें अध्ययन करना है. The end of verse 8 it says the Lord's message rang out or went forth from you. और वो है आठवें वचन का अंतिम भाग जब वो कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे द्वारा और आगे फैला. That which made the church a pattern for others. और इस बात ने कलीसिया को दूसरों के लिए एक उदाहरण बना दिया. Was the fact that from them the word of the Lord rang out and continue to ring out. वो ये था कि उनके विश्वास की ऐसी चर्चा फैली कि उन्हें उनके परमेश्वर का वचन उनके द्वारा फैलता चला गया. The word translated here went out is sounded out. और यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है कि जिस चर्चा फैल गई जिसका मतलब है सुनता चला गया या फैलता चला गया. What does that mean? उसका क्या मतलब है? It could mean their message was loud and clear. इसका मतलब ये है कि उनका संदेश बहुत उच्च स्वर में और बहुत स्पष्ट था. Not only their witness effect in Macedonia and Achaia. और ना केवल उन्होंने मकीदुनिया और अखाया में अपनी गवाही और संदेश को अद्भुत रीति से सुनाया. But their location helped them to come in contact with trading travelers from all over Roman Empire. लेकिन थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों का जो स्थान पर वो रहते थे भौतिक रूप से उस स्थान ने उनका सहायता करा कि वो व्यवसायियों से और वे जो लोग वहाँ पर व्यवसाय करने के लिए अलग अलग जगह से रोमियो सम्राट से पहुँचते साम्राज्य से पहुँचते थे सबको बात करें वो. They saw tremendous opportunity in this. और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी मौके को देखा. The believers took advantage of their opportunities. और विश्वासियों ने अपने मौकों का फायदा उठाया. And won many
for Jesus Christ. और कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लिया. That is a very noteworthy thing. और ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है हम सब के लिए. That's the report of the extraordinary faith they expressed to God was spreading in all directions. और इसलिए परमेश्वर का वो अद्भुत विश्वास की जो जानकारी थी वो हर एक दिशा में उनके द्वारा फैलती चली गई. And this shows their eagerness and diligence in communicating their faith to others. और ये दिखाता है उनका व्यक्तित्व और किस रीति से बढ़ चढ़कर उन्होंने दूसरों के समक्ष अपनी गवाहियों को और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को रखा. And so Paul tells them. और इसलिए पौलुस उन्हें कहता है. Your faith in God has become known. All over. कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास है वो चारों ओर फैलता चला गया है. So when strangers from various parts of the Roman Empire met Paul in Corinth. और इसलिए अलग-अलग जगहों से रोमियो साम्राज्य के जब लोग पौलुस से मुलाकात करते थे. And they would immediately begin to tell what they had heard. In Thessalonica. तो वो तुरंत ही पौलुस को बताते थे कि उन्होंने थेसलोनाइका का जो नगरी है वहां पर किस बात को सुना. Paul did not have to ask them about it. और पौलुस को इस बात की पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी उन विश्वासियों से. They volunteered the information themselves on their own accord. लेकिन वो लोग जो पौलुस से भेंट करते थे उन्होंने अपने आप उस जानकारी को पौलुस को दी. These travelers found that theirs was no mere switching of religious affiliation. और इन यात्रियों ने इस बात को पाया और देखा कि ये कोई धर्म परिवर्तन के विषय में नहीं है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना. Or changing their philosophies. या अपने तर्क को बदलना. The Thessalonian believers made it very clear that there was a complete and a total change in their lives and their worship. लेकिन थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके जीवनों में और आराधना में एक संपूर्ण परिवर्तन आ जाए. They were now serving the living and true God. और अब तो वो जीवित और सत्य परमेश्वर की आराधना की सेवा करते. And they proclaimed their faith and the change of life. They made it very clear that the gods they once worshipped were not real. और वो अपने उस विश्वास और गवाही को बड़ी उच्च स्वर में घोषणा और हियाव के संग घोषणा करते थे कि उन परमेश्वर ईश्वरों जिनका वो पहले आराधना करते थे वो अब सत्य नहीं है. So that answers the question, what is the most effective way of communicating the gospel. और ये हमें इस बात का इस सवाल का उत्तर देती है ये बात कि कौन सा सबसे अद्भुत और अच्छा तरीका है सुसमाचार सुनाने का. The most effective way to communicate the faith is to witness spontaneously and it is not expensive either. और ये सबसे अद्भुत और अच्छा तरीका है विश्वास के विषय में बताने का वो है आप तुरंत ही जब किसी से मिलें उस अपने गवाही और सुसमाचार को दें. And it is the excited transmission from mouth to mouth. और ये तो वो रोमांचक मुख से सुसमाचार का प्रचार है. And you convey this a message of the impact which the good news is making on people. तब आप उस सुसमाचार के परिणाम को लोगों तक पहुंचाते हैं कि किस प्रकार से सुसमाचार लोगों के जीवनों को बदलता है. So what was making news all over that region was their faith in God. और इसलिए इस पूरे क्षेत्र में जो बात हर जगह फैलती जा रही थी वो ये था कि उनका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है. And what kind of reception they gave to the apostles. और किस प्रकार से उन्होंने प्रेरितों का स्वागत किया. And how they were converted. और किस रीति से वो परिवर्तित होते चले गए. This was the wonderful thing about the Thessalonian believers. और ये वो अद्भुत बात थी थिस्सलुनीको के विश्वासियों के विषय में. And remember. और याद रखिए. They did it all in spite of the severe persecution that started along with their own conversion.
याद रखिए, इन विश्वासियों ने तब भी इस बात को किया जब बड़े सताव के संग सताव के बीच यीशु समाचार इनके पास। So their experience was genuine. और इसलिए उनका अनुभव सत्य था। Their experience of believing in Jesus was life transforming. और उनका अनुभव प्रभु यीशु मसीह में जीवन परिवर्तन कर देने वाला था। It is not changing from one religion to another religion. और ये इस विषय में नहीं था कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना। That doesn't mean anything. और इसका तो कोई मतलब ही नहीं। That does not change your life and your style. और ये बात आपके जीवन और जीवन शैली को नहीं बदलती। But here is a real life transformation. लेकिन यहाँ पर हम एक सत्य जीवन परिवर्तन देखते हैं। The gods they knew earlier could not accomplish any of these things. और वो ईश्वर जिनकी वो पहले आराधना करते थे वो ऐसी बातों को नहीं कर पाए। Everything was so new. और हर एक बात नई होती चली। Everything was new, so exciting. और हर एक बात रोमांचक थी। And they continued in the faith and they spread their faith. और वो अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते चले गए और अपने विश्वास को फैलने दिया। May our lives be like that. और होने दे हमारे जीवन भी इसी प्रकार होने। Today God decides that you and I be such a witnesses for Jesus. और आज के दिन परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के लिए ऐसे गवाह ठहरने पाएं। Be bold. और होने दे हम ही आपके साथ। Speak out. और हम बात और बोले। Lives transforming. उस सुसमाचार के विषय में जो जीवन को बदल देता है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। The Holy Spirit is prompting you. और पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है। Do it. आप इसे करें। This is a great day. ये एक महान दिन है। Walk with the Lord. परमेश्वर के संग चलें। Live in the Spirit. आत्मा में रहें। Look out for opportunities. और मौकों को ढूंढें। And God's name be glorified. होने दे परमेश्वर का महिमा, नाम का महिमा हो। Amen. Amen.